हे हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ स्क्विड मसाला की रेसिपी। तो जिनको नहीं पता ना स्क्विड क्या है, देखो पहले ऐसे होते हैं ये, फिर ना इनको साफ करके इनकी स्किन निकालने के बाद ऐसे वाइट वाइट हो जाते हैं, और फिर इनके जो ऊपर के टेंटिकल्स और अंदर का सब निकालने के बाद ऐसे हो जाएंगे। फिर इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो। ये स्क्विड को ना हम लोग माकुल कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके बताओ। तो चलो बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक पॉट में तेल गरम करो, उसमें डालो प्याज और थोड़े से कड़ी पत्ते। ओके, 30 सेकेंड्स चलाने के बाद उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालो और फिर उसको 5-10 मिनट अच्छे से पकने दो। ठीक है, प्याज को अच्छा पकने दो। तो गाइस, क्या आपको पता है कि स्क्विड की ना 500 स्पीशीज है? ओह गॉड, इतनी सारी 500 स्पीशीज है स्क्विड की। ठीक है, तो उसके बाद जब प्याज अब 10 मिनट अच्छे से भुन जाएगा तो उसमें डालो लंबे लंबे कट करके टमाटर। ठीक है, और फिर टमाटर को ढक के अच्छे से सॉफ्ट होने तक उसको पकाना है। ठीक है, तो गाइस क्या आपको पता है कि जो स्क्विड जो है ना, वो बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। इसमें विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम भी होता है। तो देखा आपने इसके कितने सारे फायदे हैं। तो फिर जो अगर टोमेटो जब पक जाए ना अच्छे से, तो फिर इसमें डालो बड़ा चम्मच भर के हरा मसाला। ठीक है, हरा मसाला का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगी कि हरा मसाला कैसे बनाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। तो हरा मसाला डालने के बाद 30 सेकेंड्स चला लो, फिर उसमें डालो सारे मसाले, जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो। और गाइस, स्क्विड के ना मेन हेल्थ बेनिफिट्स क्या है आपको पता है? कि ये ना गुड हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ को गुड रखता है, हेल्दी स्किन के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स भी ये रिड्यूस करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो अभी देखो आपको पता है, तो आप ये बना के खा लो। ठीक है, ओके। तो फिर वो सारे मसाले भुन जाए ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ी देर और पका लो। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्क्विड के ना 3 हार्ट्स होते हैं। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हार्ट्स होते हैं स्क्विड्स के। ओके, तो पानी डालने के बाद 1-2 मिनट उसको चलाने के बाद, उसमें जो हमने काट के स्क्विड्स रखे थे ना, आप इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से जैसे चाहिए वैसे कट कर सकते हो। ठीक है, तो वो स्क्विड्स उसमें डाल दो और उसको अच्छे से मिक्स कर लो मसाले में, ताकि वो सब मसाला उस पर अच्छे से कोट हो जाए। हाँ, और गाइस क्या आपको पता है कि स्क्विड के ना 8 आर्म्स होते हैं और टेंटेकल्स होते हैं जो वो सक करने के उनके काम आते हैं। ठीक है, तो फिर ये मसाले में जब अच्छे से मिल जाए ना, तो इसको थोड़ी देर पका लो। ठीक है, कि जब तक ये पक ना जाए। तो इसको अभी हम ढक देंगे और इसको 10 मिनट के करीब पका लेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगती इनको पकने के लिए। ठीक है, अराउंड 10 मिनट पकाने के बाद ये देखो हमारा स्क्विड मसाला ऐसे दिखेगा। यहाँ पे थोड़ी लाइट कम है गाइस, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो फिर इसमें डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट धनिया। ओके, तो कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, तो हमें हर चीज़ में धनिया डालने की आदत है, तो इसमें भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लो। ठीक है, और बस एक आधा 2 मिनट रख लो और फिर हमारा स्क्विड मसाला रेडी है। गाइस ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आपने खाया नहीं है ना, तो जाके बना के खा लो जल्दी से, बहुत टेस्टी लगेगा। ये देखने में भी देखो कितना यम्मी लग रहा है। तो इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहो आप खा सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करो, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करो यार। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर देना।